प्रवेश की अनुमति मिलना चाहिए, और इन दो आंदोलनों को जो इस प्रकार से समाज
संस्कृति में शूद्र और सूफियों की गुलामी के कानून ये है, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। और वही डॉक्टर अम्बेडकर नाम जाकर भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं, और वही संविधान जो आज हमारे देश का एक आधार होना चाहिए, जो हमको बराबरी के सिद्धांत देता है। दूसरा मैंने कहा के सुदर्शन, कौन थे के सुदर्शन, मैं उनका परिचय आपको क्यों दूं, पकड़ना पड़ रहा है। के सुदर्शन जी सन 2000 में आरएसएस के प्रमुख बने, जिनको कहते हैं सर संघचालक। बनने के बाद उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। प्लीज नोट द पॉइंट, तीसरा जी कह रही थी उनको भारतीय संविधान के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि भारतीय संविधान के मूल्य ये विदेशी है। वास्तव में अपनी बात याद रखू कि संविधान के मूल्य विदेशी नहीं है, ये मूल्य है आधुनिक, मॉडर्न वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी है। सुदर्शन जी कहते हैं ये संविधान विदेशी मूल्य पे बना है, इसको फेंक दिया जाना चाहिए और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्मग्रंथों के आधार पे बना है। तो मैं आपसे आपको कल्पना शक्ति में ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर मनुस्मृति को जलाते हैं, भारतीय संविधान को बनाते हैं, और आरएसएस की राजनीति ये भारतीय संविधान को समाप्त करके मनुस्मृति के ब्राह्मणवादी मूल्यों को सामने ला सकती है। तो आज झगड़ा हिंदू मुसलमान का नहीं है, झगड़ा हिंदू क्रिश्चियन का नहीं है, ये ऊपर से दिखने वाली बातें हैं, ये ऊपरी बात है। गहराई में जो आज की राजनीति का एजेंडा है वो ये, यहाँ कैसे दलितों को गुलाम रखा जाए, कैसे महिलाओं को रुईम करने में रखा जाए, और कैसे एक स्वर्ण संविधान सोच को आधुनिक भाषा में समाज में रखा जाए। इसलिए दोस्तों आजादी के आंदोलन के दौरान धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले किसी भी संगठन ने अंग्रेजों के खिलाफ किसी संघर्ष में कोई हिस्सा नहीं लिया। आरएसएस के काम करने को तरीके को समझिए, अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कह रहा है और इसका मानव संस्कृति से, आम लोगों की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ये तीन आधार में बना है, एक आर्य वंश की नस्ल, आर्य खून, दूसरा ब्राह्मणवादी मूल्य, और तीसरा यहाँ की जमीन। इस तीन आधार पे चला है, और इसके बनने के पीछे थोड़ी पृष्ठभूमि अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे इनका छुपा हुआ एजेंडा क्या है। तीसरा जो बता रही थी आज वो अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, दलित और मुसलमानों में झगड़ा लगाना चाहते हैं, ये उनके टैक्टिक्स का भाग है। वास्तव में आरएसएस के बनने की प्रेरणा तभी आई जब महात्मा ज्योतिराव फुले के विचार अम्बेडकर जी के मूल्यों के आधार पे विदर्भ नागपुर एरिया में जमींदार ब्राह्मणों के विरोध में आंदोलन चल रहा था। आरएसएस के बनने की कल्पना तभी आई जब 1920 में महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में आम लोगों को जोड़ लिया। खैर ये बहुत बड़ा विषय है, मैं नहीं जाऊंगा। तो मुख्य रूप से देखिए अब हुआ क्या, एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ हिंदू महासभा आरएसएस। अब यहाँ अंग्रेजों ने जो बीच बोए कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी के, जो धर्म के नाम पे राजाशाही मूल्य के नाम पे जो बीच बोए उसको एक तरफ से मुस्लिम लीग ने दिया, एक तरफ हिंदू महासभा आरएसएस ने दिया। मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत कराई, हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत कराई, और यही नफरत हिंसा का आधार होती है। दोस्तों मेरा भी पूरा विश्वास है अगर समाज में नफरत न हो तो दंगे करवाए नहीं जा सकते। एक प्रकार के इतिहास की समझ, एक प्रकार आज की समझ, और ये दंगों के कारण एक ध्रुवीकरण पोलराइजेशन होता है, और ये दंगे कौन करवाता है। बड़ी बड़ी रिपोर्ट आई है, लोगों ने अच्छे अच्छे रिसर्च किए हैं, पर एक रिसर्च का हवाला मैं आपको दे दूं। वो रिसर्च आया है यूनिवर्सिटी से, पता नहीं मैंने भी पहले ये यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना था, फिर बाद में पता क्या हुआ, आपको पता क्या हुआ, वो हमारी जो एमएचआरडी मिनिस्टर थी ना, पढ़ता था, और वहां उसने शर्मा और मुस्लिम नाम का एक बहुत बड़ा लेखक है,
शर्ला होम्स को लोगों ने पूछा, अरे आप ये मर्डर मिस्ट्री मृत्यु की बात को इतना अच्छे से कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो? वो बोलते हैं बड़ा सरल है, मैं सीन पे जाता हूँ, मौके पे जाता हूँ, देखता हूँ इस मर्डर से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। और मेरी बात ज्यादातर सच निकलती है, तो बताइए दंगों के पीछे कौन होगा? दंगों से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? ये बात क्लियर। नंबर दो, आरएसएस डायरेक्टली राजनीति नहीं करता, स्वयं सेवकों को ट्रेन करता है। ये स्वयं सेवक तीन चार प्रकार से काम करते हैं। नंबर एक, आधुनिक व्यवस्था प्रचलित व्यवस्था में अंदर से घुसपैठ करना, एजुकेशन, मीडिया, जुडिशरी, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी में अंदर से घुसपैठ करना और ऐसे संगठन बनाना जो इन एरिया में काम कर सके। औरतों के लिए भी उन्होंने एक संगठन बनाया, औरतों के संगठन बड़ा मजेदार है, आपको पता होगा औरतों के संगठन का नाम है राष्ट्र सेविका समिति। मैंने क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पुरुषों के संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। क्या नहीं, ये स्वयं सेवक संघ बोलने में ज्यादा टाइम लगा ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति। बताइए औरतों के संगठन से एक शब्द गायब है, कौन सा है? स्वयं, स्वयं यानी मेरा अस्तित्व। हर एक पुरुष विधान विचारधारा के अनुसार स्त्री के स्वयं को पुरुष की जेब में माना जाता है। इसकी शर्त में कहता हूँ पुरुषों के कभी भी जेल होती होती है नहीं। तो है, मैं बात कर रहा था आरएसएस काम कैसे करता। एक तरफ समाज के अंदर घुसपैठ करना, अलग अलग संगठन बनाना, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ इन इस प्रकार का संगठन बनाना जो राजनीति करे। तो आज खतरा क्या है? भाजपा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में फर्क क्या है? प्लीज नोट, एक सबसे गहरा फर्क यह है कि भाजपा अपने आप में स्वतंत्र पार्टी नहीं है, ये आरएसएस का एक छोटा मोटा बच्चा है। वो भी छोटा बच्चा है, पूरा बच्चा वो भी नहीं है। आरएसएस की राजनीति ज्यादा व्यापक है। आरएसएस का एजेंडा यानी बीजेपी का एजेंडा, और ये बीजेपी का जो एजेंडा है इस प्रकार से चलता है। आज क्या हो रहा है? आज सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये एजेंडा एक तरफ ऊपर से नीचे लागू किया जा रहा है। वो नीचे प्रधानमंत्री तो वो कहते हैं ना, नीचे से बाकी लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त जॉन दयाल ने बड़ा अच्छा वाक्य कहा कि भाई ये जो लोग आजकल जो सब नफरत की बात बोलते हैं, कोई साध्वी है, कोई साक्षी है, कोई योगी है, ये सब जो नफरत की बात बोल रहे हैं इतने बुरे आप क्यों कह रहे हैं? तो जॉन दयाल साहब मेरे दोस्त कहते हैं, सैया भैया को तो आओ तो डरता है क्या? ऊपर से अपनी रखती है, नीचे से चलते रहो। दोस्तों अंत में अपनी बात हम जरूर इस बात पर चर्चा करें, इसमें करना क्या क्या चाहिए। तीसरा सत्र वाटा एक काम है, शब्द नाश्ती का दूसरे प्रकार का है, विद्वान का तीसरे प्रकार से है। मैं कुछ थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगता है आज इस अम्ब्रेला की जरूरत है। जो आदि भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, प्रशांत जी का, आनंद कुमार जी का, ये अम्ब्रेला अगर हमें मिले तो देश में जो अलग अलग प्रकार की शाख से काम कर रहे हैं, कई बार मुझे लोग बोलते थे अरे देश में धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले ज्यादा है, हिंदुत्व को मानने वाले, संकीर्ण राजनीति को मानने वाले कम है, फिर भी आप लोग क्यों पीछे रहते हो? तो मैंने कहा जो हिंदुत्व में मानते हैं उनकी वो एक कुट्टी के समान है, और हम लोग जो है अपनी ईगो के कारण बिखरे हुए हैं, तो हमें ताकत कहां से आएगी? मैं उम्मीद करता हूं कि अम्ब्रेला हमें उस प्रकार की ताकत दे कि हम आपसी कोलैबोरेशन से काम कर पाए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी बात समाप्त।